दोस्तों ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज ने भी अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। नंबर्स काफी बेहतरीन है, ईयरली बेसिस पे भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी, बट इसके मार्जिन्स में थोड़ा सा कमी आई हुई है और इसके वैल्यूएशंस भी थोड़ा सा महंगे लग रहे हैं। तो क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में कर सकती है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस इसके कैसे हैं, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, फ्यूचर आउटलुक इसका कैसा है, तो इन्हीं विषयों पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों बात करें अगर मिंडा इंडस्ट्री की, तो ये कंपनी जो है यूनो मिंडा ग्रुप की एक कंपनी है। और यूनो मिंडा ग्रुप की अगर बात करें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है दोस्तों, ग्रुप कंपनीज इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें से एक मिंडा इंडस्ट्रीज है। अगर मिंडा इंडस्ट्रीज का जो पोर्टफोलियो हम देखें तो हम देख सकते हैं गैस डिवीजन में भी ये है, स्विच डिवीजन में भी ये है, आफ्टर मार्केट डिवीजन में है, एकोस्टिक डिवीजन में है, अलग अलग डिवीजन्स में है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसके अलावा मिंडा की जो यूनो मिंडा की जो सब्सिडरीज हैं उन कंपनीज की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में ये इसकी जो सब्सिडरीज वगैरह हैं ये भी काम करती हैं। MIL की जो ज्वाइंट वेंचर है, जो यूनो मिंडा की जो ज्वाइंट वेंचर है, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मिंडा वेस्ट पोर्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, जैसे कि रोकी मिंडा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसकी जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हैं। और MIL की जो एसोसिएट्स की अगर बात करें, मिंडा ग्रुप के जो एसोसिएट्स की बात करें, कोसे की मिंडा एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है इसकी जो है एसोसिएट कंपनी है। और अदर ग्रुप कंपनीज भी इसकी काफ़ी हैं, मिंडा आइकनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, टोकायरिका मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, टोयोटा गोसेई मिंडा इंडिया लिमिटेड है, मिंडा नेप्टेस्को ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सारी जो है इसकी जो है ग्रुप कंपनीज है दोस्तों, काफ़ी मतलब इसका जो ग्रुप में जो है इस ग्रुप के अंदर में कंपनीज बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इसके जो क्लाइंट्स है दोस्तों, क्लाइंट बेस भी इसका काफ़ी मजबूत है। BMW इसका क्लाइंट है, फोर्ड, होंडा, KTM, कुआस्की, यामाहा, फोक्सवैगन, टोयोटा, पियाजियो, निसान, ये हर तरीके की जो है ये कंपनीज जो है इसकी क्लाइंट है। और भी काफ़ी हैं, अगर हम देखना चाहें तो व्यू मोर पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। यामाहा है, सुजुकी है, TVS है, KTM है, महिंद्रा है, पियाजियो है, रॉयल एनफील्ड है, हीरो है, होंडा है, BMW है, बजाज है, टू व्हीलर के अंदर में ये कंपनी है, इन कंपनीज को सर्व करती है। फोर व्हीलर में अशोका लेलैंड है, डेमलर है, फोर्ड है, फियाट है, GM है, जनरल मोटर्स, ह्युंडई, होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा, रेनॉल्ट, निसान, महिंद्रा, टोयोटा, ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो है इसकी जो है क्लाइंट है। आइसर, अगर ऑफ रोड की बात करें तो आइसर इसका क्लाइंट है, एस्पोर्ट्स इसका क्लाइंट है, JCB, महिंद्रा, टैफे, स्वराज, सोनालिका इंटरनेशनल, न्यू हॉलैंड, मतलब हर तरीके का जो इसका क्लाइंट है, लगभग हर कंपनी जो है इससे पार्ट्स वगैरह लेती है। और अगर इसके प्रेजेंस की बात करें दोस्तों, तो ये अक्रॉस द ग्लोब इसका जो है बिजनेस है। USA में इसका बिजनेस है, ब्राजील में इसका बिजनेस है, अफ्रीका के अंदर में इसका बिजनेस है, यूरोप के अंदर में बिजनेस है, और अगर बात करें ईस्ट एशिया के अंदर में इसका बिजनेस है, इंडिया के अंदर में तो ये कंपनी है ही है। और अगर इस कंपनी के हिस्ट्री के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1958 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। यूनो मिंडा जो ग्रुप है ये 1958 में जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था। और आज की डेट में इस कंपनी के 71 जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, इंडिया में है, इंडोनेशिया, वियतनाम, स्पेन, मोरक्को, मैक्सिको, कोलंबिया, जर्मनी, हर जगह पे इसके जो है प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, ताइवान, जापान, स्पेन, हर जगह पे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, आसियान जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में भी इसका प्रेजेंस है और वहाँ पे भी ये कंपनी काम करती है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं इसके सीधा रिजल्ट्स पे कि वो कैसे इसने दिए हुए, उसके बाद हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो पहले दोस्तों हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखेंगे। दिसंबर का क्वार्टर हमने लिया है और मार्च का क्वार्टर लिया हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो 2031 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में था, जो कि बढ़ के 2238 करोड़ का हुआ, यानी कि 10% का उछाल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसने 278 करोड़ से 301 करोड़ किया हुआ, यानी कि 8% का उछाल। इंटरेस्ट इसने 20 करोड़ से 15 करोड़ किया हुआ, यानी कि 24% की गिरावट, जो कि अच्छी बात है। एक्सेप्शनल आइटम में थोड़ा सा इसको प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट में इसने 115 करोड़ से 140 करोड़ किया, यानी कि 21% का उछाल। और मार्जिन इसके थोड़ा सा कम हुए हैं दोस्तों, 13.73% से 13.47%, यानी कि एक तरीके से फ्लैट मार्जिन है, इसको हम कम भी नहीं बोल सकते। अब अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा की, तो लास्ट ईयर में इसने 6,222 करोड़ का सेल किया था, जो कि 6,373 करोड़ का सेल हुआ इस साल में, यानी कि लॉकडाउन के टाइम में भी कंपनी ने ग्रोथ करी है कहीं ना कहीं, एक तरीके से काफ़ी अच्छी बात है।
और 3% का 2.5% का इसमें उछाल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 671 करोड़ से 724 करोड़ हुआ, यानी कि 8% का उछाल। इंटरेस्ट इसने ईयर ऑन ईयर पे भी कम किया हुआ है, 94 करोड़ से 73 करोड़ किया हुआ है, 21% की गिरावट की है। एक्सेप्शनल आइटम में लास्ट ईयर में लॉस था, अभी प्रॉफिट है, तो ये 105% का ग्रोथ दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट में इसने 155 करोड़ से 206 करोड़ किया हुआ, यानी कि 33% का उछाल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसने जो है 10% से 11% किए हुए, यानी कि एक तरीके से फ्लैट हैं ये, 0.57% थोड़ा सा बढ़े हुए हैं दोस्तों। अब अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें मेजोरिटी है, 70.87% है, और प्लेज वगैरह नहीं है। म्यूचुअल फंड का 10.15% का स्टेक है, FIIs का इसमें 9.6% का स्टेक है। हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो निर्मल कुमार मिंडा का जो है इसमें 24% का स्टेक है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो मैथ्यूज एशिया डिविडेंड फंड का जो है इसमें 5.008% का स्टेक है। ये FII है दोस्तों। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4.46% का इसमें HNIs वगैरह का इन्वेस्टमेंट है, और ओवरऑल नॉन इंस्टीट्यूशनल का अगर बात किया जाए तो 9.03% का स्टेक है। और अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो काफी ज्यादा अच्छा इसने परफॉर्म किया हुआ है लास्ट ईयर्स में, एक्सेप्ट आज का दिन। आज के दिन में इसने 1% की गिरावट करी है, 1 वीक में 4% की बढ़ोतरी है, और 1 मंथ में 19% की बढ़ोतरी है, 3 मंथ में 14%, 6 मंथ में 58%, ईयर टू डेट में 52%, 1 ईयर में 110%, 2 ईयर में 81%, 3 ईयर में 43%, 4 ईयर में 206%, 5 ईयर में 688%, 10 ईयर्स में 3576%, यानी कि आपका पैसा इसने 37 गुना कर दिया 10 साल के अंदर में। बहुत अच्छी कंपनी है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम है, 610 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अभी आज के डेट में थोड़ा सा 2.5 पॉइंट ये गिरा हुआ है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो एक मिड कैप कंपनी है, 16594 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 17442 करोड़ है, और नंबर ऑफ शेयर्स इसके 27 करोड़ है दोस्तों। पी इसका 212 है, काफी ज्यादा पी है। प्राइस टू बुक इसका 7.73 है। फेस वैल्यू इसका 2 है। कैश इसके पास में 327 करोड़ है। बुक वैल्यू इसका 78.91 है। डिविडेंड कंपनी ज्यादा देती नहीं है। डेट इसके पास में 1176 करोड़ है। डेट थोड़ा ज्यादा है, बट ऑटो एंसिलरी कंपनी है दोस्तों, तो इन कंपनीज में मशीनरी और प्लांट वाली जो कंपनी होती है इनमें डेट ज्यादा रहता ही है। प्रमोटर होल्डिंग इसका जो है 70.87% है, और EPS इसका 2.88 है। ROC 11 है, ROE 9.93% है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसका जो है नेगेटिव में दिखा रहा है। फिन स्टार इसके जो है 3 है। ये जो डेटा है प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ROE, ROC, ये लास्ट ईयर का डेटा है। अभी का डेटा हम देख लेते हैं। अभी के रेशियो अगर इसके देखें दोस्तों, PE इसका थोड़ा सा कम हुआ है, प्राइस टू बुक इसका थोड़ा बड़ा है, EV टू EBIT 83 है, EV टू EBIT 32 है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड 6 है, EV टू सेल्स 3 है, पैग रेशियो 0 है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा है नहीं, ROC इसका कम हुआ है 4.40, और ROE भी इसका जो है कम हुआ है 1.12%, यानी कि जो है थोड़ा सा जो है अभी के टाइम में इसने कम अच्छा परफॉर्म किया हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और अगर इसके पीयर्स के साथ में इसके PE को कंपैरिजन करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा PE जो है इसी कंपनी का है, तो एक तरीके से 200 से ऊपर का PE कंपनी का है। बट एक तरीके से ये अच्छी बात क्या है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज हैं, ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, ये ग्रो करने वाला है दोस्तों, तो इसमें हमें एक सिक्योर कंपनी के ऊपर में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक स्मॉल कैप भी ना हो और लार्ज कैप भी ना हो। लार्ज कैप होने का क्या बुरा इफेक्ट रहता है कि लार्ज कैप ज्यादा ग्रो नहीं करती है। स्मॉल कैप क्या रहता है कि स्मॉल कैप में डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, यानी कि रिस्क ज्यादा रहता है, सर्वाइव स्टार्टिंग फेज में कम करती है। तो सबसे बढ़िया जो कंपनीज रहती है इसमें मिड कैप कंपनीज रहती है। तो मिड कैप कंपनी में हमारे पास में यहाँ पे एक दो अपॉर्चुनिटी है, उनमें से मिंडा इंडस्ट्रीज एक कंपनी है। तो अगर इसका फ्यूचर आउटलुक हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली हम इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो कंपनी है मिड कैप से लार्ज कैप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाली है दोस्तों। 20,000 करोड़ में ये लार्ज कैप हो जाएगी, तो एक तरीके से मिड कैप कंपनी है। तो इसमें अगर हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो ये फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होता है। इसमें हम 99% सिक्योरिटी हम कह सकते हैं कि हम सिक्योर हैं इस कंपनी में। अब दोस्तों अगर इसके पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 2016 में ये कंपनी 2527 करोड़ का रेवेन्यू किया था, 2017 में बढ़ के 3386 करोड़, 2018 में 4470 करोड़, 2019 में 5908 करोड़, 2020 में 5465 करोड़, यानी कि हर साल कंपनी लगातार ग्रो होती आ रही है। थोड़ा सा 2019 से 20 में कंपनी फ्लैट रह गई है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिटेबिलिटी की,
तो 2016 में 111 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2017 में 165 करोड़, 2018 में 310 करोड़, 3 साल लगातार ग्रो हुई है, बट थोड़ा सा उसके बाद में ये फ्लैट हो गई है। 182 करोड़ 2019 में किया, 154 करोड़ जो है 2020 में किया, बट ये जो है पूरा सेक्टर ही जो है प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था दोस्तों। ये बीच का जो दौर था, मैंने कई बार आपको बताया, ये ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करते टाइम मैं खासकर आपको बताता ही हूँ कि ये जो सेक्टर है इस दरमियान अच्छा नहीं परफॉर्म किया था। लेकिन आने वाले फ्यूचर में हमारे पास जो फ्रेश थीम है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम है दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो डेफिनेटली दीज कंपनीज विल बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस। अगर बात करें इसकी करंट लाइबिलिटी तो करंट एसेट की करंट रेशियो की, तो इस साल में इसकी लाइबिलिटी दोस्तों बड़ी है और एसेट जो है फ्लैट रहे हैं, तो एक तरीके से पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हैं दोस्तों। तो एक तरीके से समझ लो कि ये लाइबिलिटी टू एसेट जो है एक के बराबर ही आ रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट अगर मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है तो यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब अगर इसको थोड़ा और पैरामीटर पर देखा तो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट एफडी से अच्छे रिटर्न दिए, डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह कुछ नहीं है, यानी कि ठीक ठाक है कंपनी। अब इसको लेके फ्रेश न्यूज मेरे पास है दोस्तों कि इस कंपनी को जो है मिंडा इंडस्ट्रीज को, ये हरिता फेहरर करके कंपनी है, इस कंपनी में जो है 49% जो इसका रिमेनिंग स्टेक है वो भी एक्वायर करना है, यानी कि 51% तो पहले से इसका स्टेक इस कंपनी के अंदर में है, बाकी जो रिमेनिंग 49% है वो भी ये कंपनी एक्वायर करेगी, यानी कि पूरी तरीके से जो है ऑनर यही कंपनी इस कंपनी की रह जाएगी। तो ये एक घंटे पहले की फ्रेश न्यूज है और मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे 14 जून 2021 को, तो ये काफ़ी मतलब पॉजिटिव साइन है एक तरीके से। अगर 15 जून को इस स्टॉक में आप इंट्राडे करना चाहते हो या प्ले करना चाहते हो इस स्टॉक में, तो आप इस बेस पर जो है इन दोनों बेसिस पे आप प्ले कर सकते हैं, अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, आपको अच्छा जो है इसमें मूवमेंट दिखाई देगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें करना क्या है। देखो दोस्तों इसको बाय ही करना है, 418 का जो प्राइस था इसका लास्ट क्वार्टर में था जब इसका रिजल्ट आया था, उस टाइम पे भी अच्छे रिजल्ट्स इसके आए थे, वहां से अगर इसका देखा जाए तो 30-40-50% तक ये स्टॉक जो है एक क्वार्टर में बढ़ चुका है। बट हम अगर इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4-5 साल 10 साल के लिए हम इसमें निवेश कर रहे हैं तो अच्छी थीम है, अगले 5 साल 6 साल 10 साल के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसमें एंटर करने की सोच रहे हैं तो ये आपका अच्छा एक ऑप्शन हो जाएगा। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए जो है अभी उनके लिए भी ठीक ठाक है, अभी अगर एंटर करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप थोड़ा सिस्टमेटिक वे में एंटर करें, है ना। अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एकदम मैं शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं करता, शॉर्ट टर्म मतलब मैं जानता भी नहीं क्या होता है, तो मैं मीडियम टर्म को ही शॉर्ट टर्म बोलता हूँ। तो जो है 1-2 साल के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप मिंडा इंडस्ट्रीज के तो 10 स्टॉक हैं वो खरीदना चाहते हैं तो आज के लेवल पर आप खरीद लीजिए 5, ठीक है। नीचे गिरता है तो और खरीद लीजिए, ऊपर गिरता है तो कोई बात नहीं, और अगर आगे बढ़ता है तो जो बचा हुआ है वो भी आप खरीद लीजिए कंसोलिडेट अगर ये करता है तो। इससे क्या होगा, सिस्टमेटिक वे में आप खरीद लेंगे, अगर आप ये नीचे चला भी जाता है किसी वजह से तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है बॉस। आप इस तरीके से इसमें प्ले कर सकते हैं, और अगर आप इस कंपनी के अंदर में आपका जो शेयर है इस कंपनी के आपके पास में पड़े हुए हैं तो आप बने रहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो, अगर आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी हैं तो भी आप बने रहिए, अभी ये आगे और बहुत आगे इसके लंबे लंबे टारगेट्स आएंगे, 1000 तक भी ये मैं सोचता हूँ कि ये दिवाली से आगे आगे मतलब ये टच कर जाएगी आने वाले टाइम में। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप चेक करना मत भूलिए दोस्तों, अगर आप ये चेक नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं, जिसमें हमारा 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, हमारी टीम जो है दोस्तों रात दिन आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आप जो है इसको अगर देखते हैं तो आपका 10 से 12 घंटे जो आपका टाइम लगता है कंपनी रिसर्च करने में वो आपका टाइम बचेगा, आपका 10 से 15 मिनट में वो वैल्यू मिल जाएंगी। ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं, 99% चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, इनकेस फिर भी 1% आपको मिसिंग लगता है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। और इसका दूसरा बेनिफिट भी है कि अगर आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, वो जो टाइम आपका फ्री चला जाता है, जो आपके टाइम उसको वेस्ट हो जाता है, तो आपका उस टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन उस टाइम पर हो जाता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुद से भी ज़्यादा अपने टाइम का ध्यान रखिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी। We'll be right back.